एंड कंट्री विभाग की ओर से एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप रखी गई थी और जिसमें भुंतर, कुल्लू और मनाली लेफ्ट ऑफ एरिया इस सब का जो डेवलपमेंट प्लान है वो बनने जा रहा है और उस पर एक प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है और इसमें स्टेक होल्डर्स आए थे और जिसमें होटलर्स एसोसिएशन इत्यादि, नगर परिषद, नगर पंचायतें और ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि भी आए थे और उन सबको उसको दिखाया गया है और उसके बाद ये कि सभी लोगों के सुझावों को भी लिया गया है और अभी तक ये कि इसमें और अधिक कंसल्टेशन हो इसलिए और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और उसके पश्चात ही इसको फाइनल किया जाएगा। ठीक है, समस्याएँ तो अनेक प्रकार की हैं लेकिन अभी डेवलपमेंट प्लान तो लगभग ये सोच के बनाया जा रहा है आगे 2041 तक का क्या होगा और इसलिए इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है, सीवरेज की हो सकती है, फ्लोर एरियाज की हो सकती हैं और यह है कि सड़कों से कितनी भवनों की दूरी होनी चाहिए और ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं, कहीं पार्किंग की दिक्कतें हैं, कहीं पर खेल के मैदानों का कमी हो सकती है, तो ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं ताकि जिस प्रकार से जो पहले जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है जिसको कहते हैं कि अनप्लैंड वे से हुआ है उस सब को हम स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकें उस सब दिशा में इसमें रास्ते खोजे जा रहे हैं।